हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ लाइट नहीं है, इस वजह से इको साउंड ज़्यादा है, वॉल्स से टकरा कर वापस आता है, दैट्स वाई। आज की इस रीडिंग को आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देखें जिनसे आप कमिटेड हैं और वो भी आपसे कमिटेड हैं म्यूचुअली। इट मीन्स दोनों एक दूसरे का लाइफ टाइम साथ देना चाहते हैं, ऐसा कमिटमेंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। बट किसी भी वजह से दोनों में इस वक्त कुछ डिस्टर्बेंस या डिफरेंस बना हुआ है। आप मूव ऑन नहीं कर सके हैं और ना ही आपके पर्सन मूव ऑन कर सके हैं, बट फिर भी लॉन्ग टाइम नो सी वाला सिचुएशन चल रहा है। बहुत समय हो गया है, किसी भी तरह का एक्शन या डिसीज़न आपको उनसे रिसीव नहीं हुआ है। आप इसे अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, इन केस अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो सबसे पहले लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, एंड फर्दर इसके बाद देखते हैं इमीडिएट, लॉन्ग और डिस्टेंट फ्यूचर में किस तरह के एक्शंस या डिसीजन आपके पर्सन की ओर से आपको मिलेंगे। इसे आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस भी कह सकते हैं, इसे आप उनके ओर से किए हुए एक्शंस और डिसीजंस भी कह सकते हैं। नाउ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन, विजुअलाइज करें आप अपने पर्सन को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपके पर्सन इस वक्त सिंगल ही हैं। इट मीन्स आपसे मैरिड हैं तो सेपरेटेड हैं, एंड आपसे कमिटेड हैं तो उस केस में भी सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन नंबर BNN में हस्बैंड का कारक है, तो अगर आप लेडी हैं तो आपको अपने हस्बैंड की ओर से इस वक्त कुछ क्रिटिकल इश्यूज दिख रहे हैं। आप जेंट्स भी हैं तो भी आपके पर्सन इस वक्त तो सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन है जजमेंट। इट मींस इनकी लाइफ में जो भी गुड और बैड इन्होंने किया है उसका रिवर्ट इन्हें मिल रहा है। ऑब्स्टेकल है सिक्स ऑफ कप्स। आपके साथ लॉन्ग टाइम पीरियड तक कनेक्टेड रहे हैं, बट इस वक्त डिस्टर्बेंस या डिफरेंस की वजह से ये इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल है। इट मींस आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बट आप उनके साथ नहीं हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स इनका माइंड है, डीप इनसाइट जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। इट मींस ये पर्सन मेंटली आप इन पर्सन के माइंड में हमेशा रहते हैं। इवन वाइल दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग, टेकिंग रेस्ट, हर टाइम आप इनके माइंड पर रहते हैं। बर्डन हो सकता है किसी तरह का लाइफ में, प्रैक्टिकली बर्डन से मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, और आप साथ नहीं हैं वो भी एक बर्डन इस पर्सन के लिए है। बट ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में जजमेंटल फेज इस वक्त चल रहा है। इनके गुड और बैड दोनों ही एक्शंस का रिवर्ट इन्हें मिल रहा है। रीसेंट पास्ट है इस पर्सन का द फूल, और इमीडिएट फ्यूचर है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन पिछले कुछ समय से ड्रीमी वर्ल्ड में फिर से आ रहे हैं। इट मीन्स आपको लेकर के जो मेमोरीज हैं वो फिर से इस पर्सन के माइंड में आ रही हैं। फिर से ये पर्सन अपने इमोशंस के बेस पर, ड्रीमी वर्ल्ड के बेस पर आपके साथ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ भी दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, माइंड में हैं आप इनके। इमीडिएट फ्यूचर है, इस पर्सन ने फिलहाल अपनी मेमोरीज आपके साथ जो हैं उन्हें कंट्रोल किया हुआ है, बट ये बढ़ती जा रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी हैवी एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। सो जो भी इस पर्सन ने लाइफ में हार्डशिप देखा है, आपने अपने रिलेशनशिप में जो हार्डशिप देखा है, यहाँ आपका समय जल्द ही बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून है,
जो भी बैड फेज रहा है वो गुड फेज में कन्वर्ट होने वाला है, जो भी हार्डशिप रही है वो फ्रूटफुल होने वाली है। टू ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के माइंड में हैं, ये पर्सन भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, इस पर्सन का भी यही विश है टू ऑफ कप्स कि आपसे कनेक्शन बनाया जाए और एज अ फाइनल आउटकम ये आपको ऑफर करेंगे अपने इमोशंस को। रिसेंटली ही ब्रेकअप अगर आपका हुआ है तो इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग, इसमें बहुत समय अभी लगने वाला है, 8 to 10 months। बट आपका ब्रेकअप सेपरेशन डिफरेंस मोर देन 8 to 10 months से ज़्यादा ऑलरेडी हो गया है, तो ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन विद इन 2 to 3 months, 2 से 3 months में आपको इनकी ओर से एक ऑफर मिलेगा एंड दिस ऑफर विल बी अबाउट वेल सेटल्ड फैमिली, हैप्पी फैमिली, दिस इज गुड। तो आप डेस्टाइंड हैं एक दूसरे से बिकॉज यहाँ सन कार्ड भी है। आप और आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स BKR UVW FP AIJQY हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन की। लेट्स सी व्हाट डज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वांट टू से, जो इस पर्सन के माइंड में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इट मींस ये नज़र बनाए रहते हैं, कॉन्शियसली भी नज़र बनाए रहते हैं और सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी आप इनके माइंड में रहते हैं। आप इनके माइंड में तो हैं और एट ऑफ क्लब्स है ये, 10 of spades के साथ है, इट मींस आप दोनों के बीच जो एंग्जाइटी इश्यूज हैं उसे ये पर्सन जल्द से जल्द रिमूव करना चाहते हैं। एट ऑफ स्पेड्स फिर से आया है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड सिचुएशन इस वक्त है आपके पर्सन के एंड से, ये अपनी फीलिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। टू ऑफ डायमंड्स है, 3 of diamonds, तो 8 last आप दोनों का जो भी डिफरेंस बना हुआ है वो खत्म होगा, हील्ड होगा एंड आपके पर्सन आपको लेकर के ही अपना डिसीजन लेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी इनके जो एक्शंस हैं वो क्लियर नहीं है। 7 number प्लानिंग को दिखाता है और यहाँ पर डार्कनेस के साथ आया है, तो इस पर्सन का जो प्लान है वो अभी भी क्लियर नहीं है। लेट्स सी किस बात को लेकर बर्डन है आपके पर्सन को, 10 of wands क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेटेजी, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, तो इस वक्त आपके पर्सन जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो प्रैक्टिकली फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है, इसी बात का बर्डन आपके पर्सन को है। यहाँ आपका समय व्हील ऑफ फॉर्चून है, जल्दी ही बदलने वाला है, तो लेट्स सी व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताना चाहते हैं। लाइट आ चुकी है यहाँ पर, अटैचमेंट द सन, जो भी आप दोनों के बीच डार्कनेस रही है, फॉल्स अटैचमेंट एक दूसरे को अगर शो किया है किसी केस में, तो वो सनलाइट में कन्वर्ट होने वाला है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएगा जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिविटीज़ को दूर कर सकेंगे, फॉल्स को पहचान पाएंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में सन है। लेट्स सी एज अ फाइनल आउटकम एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं। यिन यांग कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 number यहाँ पर कई बार आ चुका है, 2 of cups, 2 of diamonds, 10 भी आ चुका है, सो कंप्लीशन आपका और आपके पर्सन का है साथ। यिन यांग 2 number है, सोलमेटशिप को भी दिखाता है, तो आपका रिलेशनशिप इस रीडिंग के बेस पे कहा जा सकता है दिस इज़ ऑन
सोल लेवल पर ही है। इसमें किसी भी तरह का पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट्स का कोई रिलेशन कनेक्शन नहीं है। द वर्ल्ड भी आ गया है, सो इट मीन्स योर रिलेशनशिप इज ऑन सोल लेवल। लेट्स सी वन एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेस है आपके लिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।